हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ आतिफ भाई, फ्री हैं? अरे हाँ फ्री हूँ। कौन बात कर रहे हैं? भाई, मैं अफू खान बोल रहा हूँ, आपका छोटा दीनी भाई। भाई हाँ, कहाँ से कहाँ से? उत्तर यूपी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। हाँ प्रदेश। हाँ बोलो भाई, अफू भाई बोलो। भाई, आप आतिफ भाई बोल रहे हैं ना? कहाँ रहते हैं भाई आप? हेलो, भाई आप कहाँ रहते हैं? कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक से हैं। भाई आपने वो बात की थी क्या नदीम खान भाई से? एक ऑडियो आई थी मेरे पास, आप ही ने बात की थी? हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है भाई? अरे आ रही है, आ रही है। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है ना, बोलो। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ आपकी ऑडियो आई थी नदीम भाई से, आप ही ने बात की थी? नदीम भाई के साथ। हाँ, अच्छा, वो आप ही थे ना? मैं ही था, मैं ही था, मैं ही था। अच्छा, भाई वही हम मतलब ऑडियो मतलब भाई को हम सुन रहे थे, लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ भाई। क्यों, किस बात का? भाई आप मतलब बिना तहकीक किए बताइए, आपने भाई वो आर्टिकल पूरा मतलब बना दिया, और ऊपर से आप मतलब अपना आपको मतलब बहुत बड़ा मतलब अल्लामा समझ रहे थे कि हाँ देखो मेरे आर्टिकल आने के बाद ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा था क्या आपको आर्टिकल भाई, आपको में? वो आर्टिकल में कौन सी दलील चाहिए? नहीं, वो था क्या आर्टिकल मेरे भाई, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। वो मैं तकरीबन 4-5 आर्टिकल बनाया इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने के ताल्लुक से, और फैसले ना करने के ताल्लुक से, और सीने के ऊपर हाथ ना बांधने के ताल्लुक से, और नाक के नीचे हाथ बांधने के ताल्लुक से। अच्छा, नहीं सीने के ऊपर हाथ ना बांधने के ताल्लुक से, तो आपने मतलब भाई अपनी अम्मी की सलाह की आपने? भाई से आपने अपनी अम्मी की या मतलब भाई वो बहन की या बीवी की या बेटी की या भांजी की आपने कोई की भाई इसलाह की कि सीने पे हाथ ना बांधो? किस्मत ले पे हाथ बांधने के तालुक से। हाँ भाई, सीने पे हाथ बांधने के भाई वो बारे में आपने आर्टिकल बना दिया है, तो आपने अपनी अम्मी की भाई इसलाह की? अभी अफवाह क्या बोलो कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क है या नहीं है? नहीं, वो तो फर्क नहीं है, ये तो जो लोग भाई वो कूफी कयासी उनके वहाँ फर्क होता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मान लिया, बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी आसानी से आप मान गए, आप तो बड़े अच्छे इंसान निकले। नहीं अभी तो मेरी बात सुनो ना, दूसरी बात है, पहली बात तो सुन लिए। नहीं, पहले नहीं, आपने कहा नहीं कि यहाँ सीने पे हाथ भाई को ना बांधने के ताल्लुक से आपने बनाया ना आर्टिकल, तो उसमें आपने पहले अपनी जो आपकी औरतें हैं हनफी औरतें, आपने उनकी इसलाह की? नहीं अबू भाई मेरी बात सुनो, आपने हाँ, कहा कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है। अरे ये दूसरा टॉपिक है अभी बात भाई वो, भाई इसीलिए मेरे को बात करने में अच्छा नहीं लगता कि आदमी टॉपिक से भागने लगता है। आपकी बेटी से, आपकी बीवी से कभी आपने कहा कि ऊंची आवाज से आमीन क्यों नहीं कहते? हाँ तो कहा ना मेरे भाई, आपने कहा कि मर्द और औरत की कोई नमाज में कोई फर्क नहीं। हाँ कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, जो तरीका है वो जो बेसिक तरीका है बिल्कुल सेम है। हाँ मैं और ये सुना भाई, नहीं ये ना, मैंने सुना भाई नहीं नहीं कहा, ना ये कि तो बड़े बड़े भाई वो मुहदिसीन ने कहा है, मैं इमाम तो बुखारी देखो अलहमदुल्ला पहले दिन उन्होंने कहा है कि औरतों मर्दों मस्जिद की में जब जो नमाज नमाज है सलाम बिल्कुल है। सेम है। भाई सहाबिया का अमल है कि भाई वो उम्मे दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो एक बहुत अच्छी सहाबिया थी, ठीक है, वो भाई वो नमाज में उस तरह बैठती थी जैसे आदमी बैठते थे। हाँ नहीं, वो उनका एक अमल, आप वो बाद में बोलो करते। मैं क्या सवाल कर रहा हूँ कि अच्छा, आपका तामीन जोर से बोलनी चाहिए, आहिस्ता बोलना चाहिए। भाई औरतों को भी आमीन बोलना चाहिए, हाँ तो फिर क्यों बोलती क्यों नहीं है? तो बोलती तो है। अब आपके भाई आपकी मस्जिद में औरतें आती नहीं तो आपको कहाँ से पता चलेगा? नहीं, मैं देखो, मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, 100 साल आप भाई अहले दो हदीस बंदी से आना भी 100 साल बाद ना। आपने हनफियत को भाई कबूल कर लिया, ये भाई ये सभी स्टोरी हमको ना बेशक बताइए। भाई, आपने कभी किसी औरत के साथ नमाज पढ़ी है भाई मस्जिद हाँ में? पढ़ाओ ना भाई। अच्छा भाई, कौन सी तुम्हारे मस्जिद थी भाई वो? हेलो, नाम नहीं बोलना चाहता मैं। अरे नाम नहीं क्या मेरे भाई, कोई मस्जिद थी ना मेरे भाई, हाँ ना, मस्जिद क्या थी, आपने वहां पर मंदिर मैं मंदिर में आप पढ़ा। चले गए थे? मैं पढ़ा आप लोग मंदिर में पढ़ते हो क्या नमाज? नहीं, आप ऐसा बता रहे भाई, वो नाम नहीं भाई वो हम लेना चाहते तो मस्जिद का नाम होगा ना, तो इसमें भाई वो चोरी क्या है? हमको तो लग रहा नहीं है भाई वो मंदिर को मस्जिद समझ के आप चले गए थे। हमारी पत्नियों को तकलीफ होगी ना, अरे तकलीफ की क्या मेरे से बात तो है भाई, काफी जो है।
मेरे जो लेडीज के साथी है उनको तकलीफ होगी ना। अरे मेरे भाई जो भी भाई बात भाई सच है, अगर सच बोलने से अगर किसी को भाई तकलीफ होती है तो होने दो, ठीक है। ये अहले सुन्नत वल जमात का उसूल है। आपके औरतें अजान भी देती है क्या? अरे अजान अलग मामला है मेरे भाई, आप कहाँ कहाँ भागोगे? अभी आप नमाज से भागोगे, फिर भाई वो इमामत पे भागोगे, फिर अजान पे भागोगे। आपके औरतें इमामत भी करती है? अरे अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भाई वो औरतों की इमाम बनती थी, तो इमामत की कि नहीं? अभी आपके औरतों का बोल रहा हूँ मैं। अरे मेरे भाई सहाबी के हम आपको दलील दे रहे हैं, मेरे भाई उम्मत भाई जो उम्मत की माँ है मैं आपको उनका हवाला दे रहा हूँ, तो आप मेरी औरत के ऊपर बांध रहे हो। अजीब मेरे भाई पागल आदमी हो। देखो अफू भाई पागल आदमी कौन है थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। वो भाई वो हमने आपकी ऑडियो जब सुनी थी नदीम खान भाई के साथ, तो हम जान गए थे वाकई आपका ऊपर का माला थोड़ा भाई थोड़ा मतलब कमजोर है, तो इसीलिए हमने आपको फोन किया है कि थोड़ा आपका ऊपर का माला थोड़ा भाई वो टाइट कर दे, हो सकता है अल्लाह आपको हिदायत दे दे। हकामत देती है क्या है भाई? आपकी औरतें हकामत देती है? हकामत देती, हकामत बोलती है क्या आपकी औरत मस्जिद में? हाँ मेरे भाई, अगर औरतों की जमात है तो औरतें इमाम है तो औरतें देंगी ना इमामत। नहीं 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या औरत ने भी इमामत किया है, मर्द भी पीछे खड़ के नमाज पढ़े? अरे अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी भाई वो इमाम बनते थे, उनके पीछे भाई वो सहाबा थे, सहाबा के पीछे बच्चे थे, बच्चों के पीछे भाई औरतें थी, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत कांधे से कांधे कदम से कदम को जोड़ के नमाज भाई वो पढ़ते थे, ऐसा थोड़ी ना है? क्या नमाज पढ़ा दी है क्या मर्दों की ये भी? भाई देखिए मेरे भाई, अगर आप फिर इधर से उधर भागते रहेंगे कूदते रहेंगे भाई वो मेंढक की तरह, तो उससे फायदा नहीं होगा ना मेरे भाई। आप ये बताइए, अगर सीने पे भाई वो हाथ बांधना गलत है तो आपने अपनी माँ को रोका, आपने अपनी बहन को रोका, आपने अपनी बीवी को रोका, आपने अपनी बेटी को रोका? और अगर नहीं रोका तो पहले जाके उनको रोकिए, बाद में लोगों को भाई टोकिए ना, पहले अपने घर से स्टार्टिंग कीजिए। इमामत नहीं कर रही है आपकी माँ, इमामत नहीं कर रही है, इमामत नहीं दे रही। अरे क्यों नहीं करती मेरे भाई, करती क्यों नहीं है मेरे भाई? कहाँ पर कर रही हो तो बोलो तो बोलो। नहीं आपके देखने आज तो मेरी भाई नहीं, आपने मेरी अम्मा बहन बीवी बेटी को देखा आज तक? नहीं नहीं मैं वो बोल रहा हूँ, तो जब मैं कह रहा हूँ करती है तो करती है, अब आप मान जाओ मेरे भाई। अभी अपना कोई साथी है उधर, मैं आपको अल्लाह के नबी की बीवी का हवाला दे रहा हूँ, उम्मत की माँ का हवाला दे रहा हूँ कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला ना वो औरतों की इमाम बनती थी, तो आपके पास समझ में नहीं आ रही है? कोई देवबंदी है वहाँ पर साजी, उसका नंबर दो मुझे, मैं बात करूँगा। आपके मस्जिद में कोई कौन और हकामत देती है क्या बोल के? अरे मेरे भाई मैं बात करवा दूंगा, पहले आप ये बताओ आपकी अम्मा सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे बांधती है? आपकी औरतें, आपकी अम्मा, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी हाँ, भाई हमारी अम्मा, हमारी बीवी, हमारी औरतें, हमारी पूरी जमात की औरतें उस तरह नमाज पढ़ती है जैसे अल्लाह के नबी ने भाई नमाज पढ़ी है। आपकी औरतें भैया एकदम अलग ही नमाज पढ़ती है। आप किसी देवबंदी का नंबर दो तुम्हारे दोस्त का, जल्दी दो। अरे देवबंदी का नंबर भाई मैं क्यों दूं मेरे भाई, अहले हदीस से बड़ा कोई आ गया क्या इल्म के मैदान में? खाली दिमाग है देवबंद वाले, देवबंदियों को भाई मैं ज्यादा वो अपने अपने ऊपर मतलब भाई वो नहीं करने देता हूँ अभी, ठीक है? पूछूंगा ना क्या चल रहा है माजरा वहाँ बोल के। अरे मेरे भाई देवबंदी कोई नहीं आता हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने, सब लोग खार खाते नफरत करते हम लोगों से। कौन है अभी वहाँ पर? कोई नहीं है दूसरा? अरे भाई मैं अकेला हूँ इस समय मेरे भाई, आपको बात करना है, मैं जुम्मे वाले दिन जाऊंगा अपने आलिम साहब से आपकी बात करवा दूंगा कि हमारे वहाँ की जो औरतें हैं उनका इंतजाम भाई भाई वो नीचे वाले भाई उस पे आदमी लोग ऊपर पड़ते हैं, ठीक है? ये मसले पे जुम्मा के दिन बात करा देना आप। हाँ हाँ बात करा देंगे, पहले आप वापस भाई टॉपिक पे आइए और फोन काट के आप ना भागिएगा। एक चीज बता दीजिए, आपकी अम्मी भाई वो नाक के नीचे हाथ बांधती है या सीने के ऊपर? आपके अम्मी सीने पे हाथ बांधती है या नाक के ऊपर? मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर? अरे मेरे भाई ये सब बोल बच्चे ना दो मेरे भाई, तुमसे जो पूछ रहे हैं वो बताओ ना। अच्छा ठीक है, तुम अपने लियाज गुम्मन से बोलो मेरा फोन भाई वो काई नहीं उठाता है, और तारिक जमील से बोलो कि वो मेरे से बात क्यों नहीं करता है, जाके सबसे बोलते फिर तुम बात करेंगे। लो फिर यार अलग भाग रो, अलग बंदे तुम्हारी जो माँ है वो कहाँ हाथ बांधती इतना बता दो, सीने पे बांधती है या नाप के नीचे? बात जुम्मा चले गए ना तुम, भाग के जुम्मा चले गए ना? अरे मेरे भाई आतिफ भाई आपने आर्टिकल बनाया है कि सीने पे भाई वो हाथ कोई को नहीं बांधना चाहिए, थे तो आपकी अम्मी सीने पे हाथ बांधती है या नाप के नीचे बांधती? अभी तुम जुम्मे को भागोगे उसी लिए जुम्मे पे बात। अरे भाई मैं भागता नहीं हूँ मेरे भाई, मैं अफू खान
अलाहाबादी हूँ, ठीक है। मैं लोगों को पानी पिला पिला के भगाता हूँ, ठीक है। अभी आप इसका जानते मतलब नहीं है पानी मेरे तुम बारे तो में। प्यासे मर जाए तो भाई पानी तुम नहीं नहीं, पियोगे तो प्यासे पानी नहीं पियोगे मेरे ना। भाई, हमसे बोल बच्चन की बातें ना करना मेरे भाई। तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं कि आपकी अम्मी हुजूर वो सीने पे हाथ बांधती हैं या नाक के अभी नीचे एक जोड़ बांधती है। आपके अम्मी हुजूर अकामत देती है, देती हाँ मेरे है भाई आपके। देती हाँ हैं। चलो, उसी लिए मुझे किसी देवबंदी अरे हो या मैंने तो कंफ्यूज बोल दिया, तुम भी बोल अपनी भाई वो जबान से बता दो, हम मान लेंगे। जुम्मा तुम्हारी की बात अम्मा भाई करेंगे ना, को वो मतलब सीने क्या पे हाथ बांधती हैं या नाक के जुम्मा नीचे की बात बांधती है, बता करेंगे ना दो। वो मसले पे, जुम्मा पे बात अरे करेंगे तुम ना मेरी उससे। कोई से अभी बात ना करो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तुम्हारी माँ है चलो भाई, रफेजेन पे तुम बात बेहतर करेंगे, जानते होगे ना। तुमने चलो अपनी माँ रफेजेन को पे बात देखा नमाज करेंगे, पढ़ते हुए कि नहीं? भाई चलो रफेजेन पे बात करते हैं। भाई आपकी अम्मी नमाज पढ़ती हैं या नमाज भाई वो पढ़ती नहीं है, ये बताइए। अगर पढ़ती है तो आपने देखा होगा ना भाई। इसको कहते हैं टॉपिक से भागना। अब आपकी होने वाली है बहुत कायदे से पिटाई धुलाई, ठीक, इसलिए आप भाई टॉपिक से भाग रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो आपके रहा अम्मी है, सीने रिकॉर्डिंग पे हाथ बांधती हैं या नाक के हो नीचे? रहा है आपको भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं अरे रिकॉर्डिंग मेरे पास भी हो रहा है, अभी व्हाट्सएप पे जाएगी, तुम्हारी लोग जान जाएंगे कि आप कैसे टॉपिक से भाग रहे हैं। आपको तुम्हारी अपनी अम्मी का मन नहीं मालूम है और आप दूसरों के ऊपर भाई वो ताना देते हो। पहले हदीसों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, आपको आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बातें करने लगते हो। जाके अपनी अम्मी हुजूर से पूछिए कि आपकी अम्मी हुजूर नाक के नीचे हाथ बांधती हैं या सीने पे बांधती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप नहीं बता पाएंगे अपनी अम्मी के बारे में। आपकी जो अम्मी है, आपकी जो बीवी है, आपकी जो बीतिया है, जो आपकी भाई वो हनफी मसलक की औरतें, वो सीने पे हाथ बांधती हैं, ठीक है। चलो अफो भाई, किसी देवबंदी से बात कराओ बाजू से। अरे देवबंदी से क्यों बात कराओ मेरे भाई, अहले हदीसों से क्या बात करने का दम नहीं है? अहले हदीसों से बात करने में आगे से गीली, पीछे से पीली, ऊपर से लाल और नीचे से नीली हो रही है, सब हो गई है तुम्हारी। तो वही तो बता रहे हैं। देखो इधर इधर भागो मत, नहीं भाई तुम जितना भागोगे वहाँ भाग भाग के घसीट के तुमको वापस खींच के लाऊंगा। तुम्हारी अभी अम्मी अभी सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे? तो उतर गए अपो भाई, यार अब आतिफ भाई तुम मेरे तुम्हारी भाई कितनी बार मैदान में उतरोगे ये बताओ। अभी तुम बस मैदान में तुम्हारी उतरते हो या कहीं मतलब भाई वो नंगा नाच करने उतरते हो, ये बताओ। अब तुम मैदान में अब उतर रहे हो चलो लेकिन अपो भाई, तुम्हारा नंगा नाच हो रहा है। अपो भाई अब ईशा की नमाज हो गई क्या तुम्हारे पास? हाँ लो बेटा, अब तुम भागोगे कह दोगे जा रहे हो नमाज ईशा की पढ़ने। नमाज हो गई अभी वो कोई औरत आके इमामत करे तो आवाज नहीं नहीं कि मेरे हमें भाई जोर तुम जोर एक से ही बता आवाज दो, दो। तुम्हारी अम्मा सीने पे हाथ बांधती चलो हैं दोस्त, या नाक के तुम्हारी नीचे, अम्मा तुम्हें आवाज मालूम है कि नहीं देती इतना है, बता दो। तुम्हारी अम्मा आवाज से आमीन बोलती है? हाँ बोलती है मेरे भाई, कितनी बार कहूँ, बोलती है बोलती है बोलती है बोलती है बोलती है बोलती है। जब कोई फासिक और फाजिर तुम्हारे पास खबर लाए तो उससे दलील उसकी मांगो, चल तहकीक कर लिया दलील करो। तो अहले हदीस फासिक फाजिर होता ही नहीं है। अहले हदीस तो मुहद्दिसीन दो, होता है, कुरान हदीस को मानने वाला होता है, सहाबा की दलील जमात दो, होती है। दलील दो, माज अल्लाह सहाबा को आपने फासिक बोल दिया? अबे कैसे दलील मेरे भाई दो तुम अजीब अफू पागल भाई, आदमी हो भाई। दलील दलील अफू भाई दलील। भाई भाई अफू भाई अफू भाई, ये नाम जपने से भाई कुछ नहीं होने वाला है। आपकी अफू भाई आपकी प्यारी माँ वो सीने पे आपकी हाथ प्यारी बांधती माँ है या नाक का के दामाद नीचे छोड़ हाथ रही है बांधती है? उसकी दलील लो, आपकी आपकी प्यारी माँ माँ कब सीने पे इमामत हाथ छोड़ बांधती रही है है या नाक के नीचे हाथ क्या, उसकी बांधती है? दलील लो अबू भाई, आपकी अम्मी सीने पे हाथ आपकी बांधती है दलील या नाक के कब नीचे हाथ खराब बांधती करी है? है एक बार सुनाओ, या भाई किसी 13 मिनट हो प्रूफ चुके दो। हैं, आपने अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी अम्मा सीने पे हाथ बांधती है या नाक के नीचे। आपने भी दलील नहीं दी ना। अरे मैंने तो बोल दिया मेरी अम्मा अमीन बोलती है। अब क्या भाई मैं चिल्ला के कहूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दूँ, क्या करूँ मेरे भाई, जान दे दूँ अपनी नहीं तुम्हारे जहाँ लिए? पर मैं रहता हूँ मैं तो वहाँ पर नहीं सुना, अरे तुम इसीलिए मैं नहीं कह रहते हो तो रहा मेरे भाई तुम ना रहो, मैं कब कह रहा हूँ तुम आके रहो। तुमको अगर भरोसा नहीं है हूँ। तो आके देख लेना। अब इसका मतलब आप तुम हमारी ये अम्मी बता दलील दो मेरे भाई, कह रहे तुम्हारी अम्मा सीने पे हाथ बांधती है या हो? नाक अबे के भाई नीचे? हमारी मेरे भाई अम्मी बता तकलीफ दे जल्दी, अल्लाह के करोगे? बंदे भाग मत, जितना भागेगा अबे उतना भाई भगाऊंगा हमारी अम्मी तुझे। तकलीफ करोगे? भाई आप जितना भागेंगे उतना आप भगाऊंगा जन्नत आपको, अल्लाह के के बंदे। अजीब नहीं है, आप आप हो लोगों की माफी कहाँ? मांग रहे हो? आपने अपने बाप अरे को फोन क्या कर कर दिया रहे है हो तुम? गलती से? बबुआ आपने अपने बाप अफू दलील खान तो को फोन कर नाइंसर दिया रहे है? हो आप। अरे बबुआ दलील आपने दो, अपने बाप अफू खान को फोन कर दिया है? आप इतना बता सीने पे दीजिए हाथ कि बांधो की आपकी दलील अम्मी दो सीने पे बबुआ। हाथ बांधती हैं या नाक आप के नीचे हमारे बांधती अफू की हैं? दलील क्यों मांग रहे हो? बताओ अम्मी तकलीफ आतिफ करके कैसा मुसीबत मुकल्लिद है डालोगे भाई, तुम? भाई कैसे आप जाहिल मुसीबत मुकल्लिद डालोगे, हैं? उनको अपनी मुसीबत अम्मा के बारे में डालोगे, नहीं मालूम है और वो मुशरिक अहले हो हदीसों से पंगा जाओगे, लेते हैं। आपके फतवे के मुताबिक मुशरिक हो जाओगे रे बबुआ। काहे दलील मांग रहे हो, तकलीफ काहे अहले कर रहे हो? हदीसों से पंगा अम्मी है, से अहले शिकायत हदीसों से कर रहे पंगा हो लोगे? बबुआ? बबुआ मत करो, नदीम भाई तो भागे, अब तुम्हारी अबे बारी है भाई भागने तुमको की। अपनी अम्मा का अमल नहीं पता है, तुम दुनिया क्या भर का ठेका अम्मा ले की रखते हो, औलाद बहुत हो बड़े तुम भाई वो बबुआ, दीन के जो ठेकेदार हो क्या अमीन तुम, बोलते तो अदा भाई तुम दीन के ठेकेदार हो, किया भाई तुम दीन हो के अपना ठेकेदार हो बबुआ, हैं? कोई इमामत अबे करे तुम तो हो अदा कौन किया बे? हो बाबा।
तुमको ना कुरान के बारे में मालूम है, ना हदीस के बारे में मालूम है, बस तुम कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो, भौंकते रहते हो, भौंकते रहते हो। ठीक है, तुम्हारे पास भौंकने के अलावा कोई काम है कि नहीं? अरे अजीब पागल आदमी हो मेरे भाई, बात मेरे भाई बात तुम्हारी हमसे हो रही है, हमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, बला के बता रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा, नमाज नहीं उठा रहा। अरे मेरे से क्या मतलब यार, कोई फोन तुम्हारा उठाए ना उठाए, तुम्हारे ऐसे पागलों का कौन फोन उठाएगा भाई? जो इंसान को बात करने के आदाब नहीं मालूम है, एक सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, तुमसे कौन बात करेगा? दलील दो यहाँ पर भाई, दलील तुम दो। तुम्हारी अम्मा सीने पे हाथ बांधती हैं या नाप के नीचे, तुम्हें मालूम है कि नहीं? या तो इनकार कर दो, हमको नहीं मालूम है, तो हम दूसरा सवाल पूछे। तुम्हारा साथी आ जाओ, बात करो, बात करो जरा। हाँ बात करो। हेलो, सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ भाई, आपका नाम? मौलाना, मैं समीर बोल रहा हूँ। जरा बोला नहीं मौलाना, इन्होंने नहीं है, नहीं है बोल रहे, सीने के ऊपर हाथ बनने के लिए। भाई कौन बोल रहा है मेरे भाई? मैं समीर बोल के कर्नाटक से। हाँ भाई देखिए भाई, समीर बोल के कर्नाटक से। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अम्मी भाई वो सीने पे हाथ बांधती हैं भाई या नाप के नीचे हाथ बांधती है, मेरे को इतना बता दीजिए। नहीं मैं मेरी बात पूछ रहा हूँ, हमारे अम्मी की बात नहीं। मैं पहले जो मेरा सवाल चल रहा था, मैं अपना सवाल मैं कम से कम 15 मिनट से पूछ रहा हूँ कि आपकी अम्मी भाई वो सीने पे हाथ बांधती हैं या नाप के नीचे, उन्होंने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। अगर आपको मालूम हो तो दे दो, उनको बात करो। हेलो अप्पू भाई, ये भी नहीं दे रहा है दलील, ये भी बोल रहा है कि तुम्हारे से भागो, तुम तो भाग रहे हो अप्पू भाई। अरे वाह मेरे भाई, दोनों लोगों से एक सवाल किया और आगे से गीली, पीछे से पीली, ऊपर से लाल और नीचे से नीली हो गई। अरे भाई ये भी नहीं दे रहा है। तुम भाई आसिफ मेरे भाई, अल्लाह के बंदे, आज से तुम्हारा नाम अल्लाह का बंदा नहीं, आज से तुम भाई शैतान के बंदे हो गए हो, क्योंकि तुमको तुम्हारी अम्मा का हाल नहीं मालूम। जिस माँ ने तुमको 9 महीने अपनी कोख में रख के पैदा किया, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, तुमने आज तक उसको नमाज पढ़ते हुए देखा ही नहीं। तुमको तुम्हारी अम्मा का हाल नहीं मालूम है, तुमको तुम्हारे घर का हाल नहीं मालूम है, और तुम अहले हदीसों के ऊपर बहुतान मानते हो, अहले हदीसों पे झूठ बोलते हो। है अजीब मेरे भाई मेंटल आदमी हो यार।